दोस्तों यदि आपका एक फेसबुक आईडी है नहीं था जो कि अभी हैक हो चुका है और हैकर ने आपके फेसबुक आईडी से आपका सारा इंफॉर्मेशन हटा दिया है, इसका मतलब आपके फेसबुक आईडी में जो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल फोटो, तो सारा इंफॉर्मेशन आपके फेसबुक आईडी से हटा करके हैकर ने खुद का इंफॉर्मेशन ऐड कर लिए है। मतलब आपके फेसबुक आईडी में हैकर ने खुद का ईमेल आईडी, खुद का फोन नंबर ऐड कर लिए है, इसलिए भाई लोग आप अपना फेसबुक आईडी को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा कि 2024 में हैक किया गया फेसबुक आईडी को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो भाई लोग हैक किया गया फेसबुक आईडी कैसे रिकवर होता है, तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि फेसबुक टीम को आपको यह प्रूफ देना है कि जो आईडी हैक हुआ है वो आईडी आपका ही है। तो प्रूफ आप कैसे दे सकते हैं, तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि 2024 में फेसबुक टीम ने काफी सारे ऑप्शन लाए हैं जिसके थ्रू आप लोग ये प्रूफ दे सकते हैं और फेसबुक टीम को बता सकते हैं कि जो आईडी हैक हुआ है वो आईडी आपका ही है। तो भाई लोग फेसबुक आईडी हैक हो जाने के बाद कैसे रिकवर होता है, इस पर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि आप लोग कैसे अपना गवर्नमेंट आईडी के माध्यम से अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबके पास आईडी प्रूफ नहीं होता है, या फिर होता है लेकिन उस आईडी प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ और नेम होता है, तो गवर्नमेंट आईडी पे जो नेम और डेट ऑफ बर्थ होता है वो दोस्तों फेसबुक में नहीं होता है, इसलिए भाई लोग मिसमैच हो जाते हैं। तो इस केस में काफी सारे भाई लोग अपना आईडी सबमिट करने पर भी अपना आईडी को रिकवर नहीं कर पाता। तो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अपना वीडियो वेरिफिकेशन करके अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसका मतलब आप लोग अपना फेस फेसबुक टीम को दिखा करके ये प्रूफ दे सकते हैं कि जो आईडी हैक हुआ है वो आईडी आपका ही है। उसके बाद फेसबुक टीम क्या करेगा कि आपने जो फेस प्रूफ दिए है तो आपके फेस के साथ आपके फेसबुक में जो भी फोटोज आपने अपलोड किए है उन सारे फोटोज के साथ मैच कराएगा। उसके बाद यदि मैच हो जाते हैं तो इस केस में फेसबुक टीम आपको एक लिंक देगा जिस लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर पाएंगे। तो अभी आप ये बोलेंगे कि आपके फेसबुक में जो भी फोटोज आपने अपलोड किए थे वो सारे फोटोज को हैकर ने डिलीट कर दिए है, तो भाई लोग आप चिंता मत करिएगा क्योंकि अकाउंट में फोटोज डिलीट करने पर भी फेसबुक के पास सारा डेटा सेव रहता है। तो आप लोग अपना वीडियो वेरिफिकेशन करके अपना हैक किया गया फेसबुक आईडी को रिकवर कर पाएंगे। तो कैसे आप लोग अपना वीडियो वेरिफिकेशन करके अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हैं, चलिए अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपका आईडी रिकवर हो जाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आईडी रिकवर हो चुके हैं। इसके अलावा नहीं होता है तो क्यों नहीं हुआ यह भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर और एक वीडियो में बना दूंगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आपके सामने है टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप अपना फेसबुक आईडी को जिस मोबाइल के अंदर यूज करते थे उसी फोन से ही दोस्तों आप अपना आईडी को रिकवर करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि फेसबुक क्या करते हैं कि हर एक फेसबुक आईडी का डेटा के साथ साथ फेसबुक आईडी जिस मोबाइल में लॉगिन रहता है उस मोबाइल का आईपी एड्रेस भी सेव रखता है। इसका मतलब फेसबुक के पास आपके फेसबुक आईडी का डेटा के साथ साथ आपके फोन का आईपी एड्रेस भी सेव है, इसलिए यदि आप दूसरे फोन से अपना आईडी को रिकवर करने का ट्राई करेंगे तो इस केस में आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा, तो इस केस में आप अपना आईडी को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस मोबाइल के अंदर अपना आईडी को यूज करते थे उसी फोन से ही दोस्तों आप अपना आईडी को रिकवर करने का ट्राई करिएगा। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने एक दोस्त का मोबाइल लिए है, क्योंकि मेरे इस दोस्त के आईडी को ही हैकर के द्वारा हैक किया गया है। तो मेरे इस दोस्त के आईडी को ही आप लोगों के सामने ही वीडियो वेरिफिकेशन करके रिकवर करके दिखाऊंगा। तो मेरे इस दोस्त का आईडी कैसे हैक हुआ, तो भाई लोग मेरा ये जो दोस्त है ये फ्री फायर खेलता है, तो इनको एक वेबसाइट मिला था जहाँ पे दिखाया गया था कि फेसबुक आईडी से लॉगिन करने पर 1000 डायमंड फ्री में मिलेगा। तो मेरे इस दोस्त ने 1000 डायमंड के लालच में आकर के क्या किया था कि उस वेबसाइट के अंदर अपना फेसबुक आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया था। उसके बाद जो होना था वही हुआ, वो वेबसाइट एक हैकर का था। उसके बाद मेरे दोस्त के आईडी को हैक कर लिया गया और सारे इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया। तो चलिए फिर अभी आप लोगों के सामने ही इस फेसबुक आईडी को रिकवर करके दिखाते हैं। तो अपना फेसबुक आईडी को रिकवर करने के लिए सिंपली से आप अपने फोन में अपना फेसबुक ऐप को ओपन कीजिएगा। तो यदि आपका फेसबुक आईडी फेसबुक ऐप में लॉगिन था तो इस केस में आपको यहाँ पे आपका फेसबुक आईडी दिखेगा, चाहे किसी भी नाम का हो। जैसे कि दोस्तों मनोज देव नाम का जो आईडी यहाँ पे दिखाया गया है यही आईडी दोस्तों मेरा दोस्त का है, लेकिन दोस्तों मेरा दोस्त का नाम
मनोज देव नहीं है, ये हैकर ने डाला है। तो यदि आपके फेसबुक ऐप में आपका आईडी शो होता है तो इस पर आप सिंपली से क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपका आईडी आपके फेसबुक ऐप के अंदर शो नहीं होता है तो इस केस में क्या करना है वो आप देख लीजिए। यदि आपके फेसबुक ऐप के अंदर आपका फेसबुक आईडी दिखाया नहीं गया है तो कैसे आप अपना फेसबुक आईडी को ढूंढ सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो इसके लिए आप अपने फोन में अपना फेसबुक ऐप को ओपन कीजिएगा, उसके बाद कोई दूसरा आईडी से लॉगिन कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा। तो दूसरा आईडी ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च बार में सिंपली से टाइप कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी का नाम से सर्च कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मनोज दे सर्च कर लूंगा। तो भाई लोग मनोज दे सर्च करने पर यहाँ पे आईडी आ चुके हैं। तो भाई लोग मुझे पता है कि हैकर ने यहाँ पे मनोज दे नाम से आईडी बनाया है, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा कि हैकर ने आपके फेसबुक में क्या नाम रखा है। तो इस केस में आईडी ढूंढने के लिए क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो हो सकता है कि कभी ना कभी आप अपने फेसबुक के माध्यम से किसी न किसी दोस्त को मैसेज किए होंगे। तो यदि आपको याद है कि आपने किस दोस्त को मैसेज किया था अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से, तो आप उस दोस्त के पास जाइएगा और उस दोस्त के फोन के अंदर मैसेंजर को खोलिएगा, उसके बाद आप अपना आईडी को ढूंढिएगा। तो हैकर ने किस नाम से आपका आईडी बनाया है ये यदि आप नहीं जानते हैं तो इस केस में आप अपने दोस्त के साथ जो भी चैट किए होंगे तो चैट हिस्ट्री देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका आईडी कौन सा है। जैसे कि दोस्तों जो भी चैट हमने इस दोस्त के साथ फेसबुक के माध्यम से किए थे तो इस चैट हिस्ट्री को देखकर मुझे ये पता लगता है कि ये जो आईडी है ये मेरा दोस्त का ही आईडी है। तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपना फेसबुक आईडी को ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल लिंक को आप कॉपी कीजिएगा। जैसे कि भाई लोग ये रहा प्रोफाइल लिंक, तो आप यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करके प्रोफाइल लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। तो यदि आपके फेसबुक ऐप के अंदर आपका फेसबुक आईडी शो नहीं होता है तो इस केस में आप यहाँ पे लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे प्रेस करिएगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे सर्च ईमेल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करिएगा और यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस केस में प्रोफाइल लिंक इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा दोस्त का आईडी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना आईडी को ढूंढ सकते हैं। तो यदि आपने आईडी ढूंढ लिए है तो सिंपली से आप उस आईडी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने दोस्त का पासवर्ड डाल दिए है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने पर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि द पासवर्ड यू इंटरेड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब दोस्तों पासवर्ड यहाँ पे गलत है क्योंकि हैकर ने न्यू पासवर्ड बना लिए है। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे इनकरेक्ट डाले है, तो इस केस में मुझे यहाँ पे बताया गया है कि सेंड यू ए कोड टू योर ईमेल, मतलब मेरे ईमेल आईडी पे कोड दिया जाएगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे लॉगिन कर पाऊंगा। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोड सेंड हो चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोड रिसीव नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हैकर ने उसका ईमेल आईडी और उसका फोन नंबर इस आईडी पे ऐड करके रखे है। तो कोड उसके पास गया है, मेरे पास नहीं आया है। तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे बैक करके नीचे का ऑप्शन दिया गया है कि ट्राई अनदर वे, तो इस वाले ऑप्शन पे सिंपली से मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि गेट कोड और लिंक विया व्हाट्सएप, तो भाई लोग यहाँ पे एक नंबर दिखाया गया है जो कि लास्ट में 40 है। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि ये जो नंबर है ये हैकर का नंबर है। इसके अलावा नीचे गेट कोड और लिंक विया ईमेल, तो नीचे जो दो ईमेल दिखाया गया है तो ये दोनों ही ईमेल दोस्तों हैकर का है। दोस्तों मेरे दोस्त का जो ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐड था उसे हटा के हैकर ने खुद का ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे ऐड करके रखे है। तो यदि मैं यहाँ पे टिक लगा के कंटिन्यू करूंगा तो इस केस में हैकर के पास कोड जाएगा, मुझे यहाँ पे कोड नहीं मिलेगा और कोड के अलावा मैं यहाँ पे आईडी को रिकवर नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे गेट कोड विया फेसबुक नोटिफिकेशन पे टिक मार लगा के यदि मैं कंटिन्यू करूंगा तो इस केस में भी हैकर के पास कोड जाएगा। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे एंटर पासवर्ड टू लॉगिन पे टिक लगा के कंटिन्यू करूंगा तो इस केस में भाई लोग मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा जो पासवर्ड हैकर ने बनाया है। इसका मतलब दोस्तों इन सारे ऑप्शन के थ्रू मैं यहाँ पे आईडी को रिकवर नहीं कर सकता हूँ। इन सारे ऑप्शन के अलावा जैसे कि नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है जो कि है दोस्तों नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस, तो काफी सारे भाई लोगों को ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो भाई लोग मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यदि आप दूसरे डिवाइस से मतलब दूसरे फोन से अपना आईडी को रिकवर करने का ट्राई करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसी फोन से ही अपना आईडी को रिकवर करने का ट्राई करना है जिस फोन में आप अपना फेसबुक आईडी को यूज करते थे। तो चलिए यहाँ पे नो लॉन्गर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि लॉस्ट एक्सेस टू माय लॉगिन डिटेल्स। तो नो लॉन्गर पे क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा, तो सिंपली से आप यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो भाई लोग आप लोगों को यहाँ पे एक न्यू ईमेल आईडी डालने के लिए बोला गया है। तो भाई लोग यहाँ पे काफी सारे भाई लोग गलती करते हैं कि पहले से ही फोन में जो ईमेल आईडी होता है उसी ईमेल आईडी को ही डाल देते हैं। तो भाई लोग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने एक न्यू ईमेल आईडी बना लीजिएगा। तो न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए सिंपली से आप अपने फोन में अपना जीमेल ऐप को ओपन कीजिएगा, उसके बाद इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे प्रेस करिएगा। तो इस केस में भाई लोग आपके सामने काफी सारे ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो इनमें से आप यहाँ पे गूगल पे प्रेस करिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आपके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे यूजर नेम डाल देना है। जो भी आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और
और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद न्यू ईमेल आईडी के लिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, लेकिन पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो इसके आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाया गया है। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री पे दबाना है। उसके बाद ईमेल अकाउंट क्रिएट हो के आपके फोन में लॉग इन हो जाएगा। तो आप जीमेल ऐप के अंदर अपना न्यू वाला ईमेल आईडी को लॉग इन कर लीजिएगा। इसके लिए आप यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, तो इसके आपका जो भी ईमेल आईडी न्यू होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये रहा न्यू वाला ईमेल आईडी, इस पे क्लिक करते हैं तो इससे दोस्तों यहाँ पे जीमेल ऐप लॉग इन हो चुके हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को जीमेल ऐप के अंदर अपना न्यू ईमेल आईडी से लॉग इन करना है। चलिए अभी उस वाले पेज पे चलते हैं और अपना न्यू वाला ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे सही से डाल दीजिएगा और यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कीजिएगा। तो इसके समय लोग आपके उस ईमेल आईडी पे कोड दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बैक करके जीमेल ऐप को ओपन करते हैं। तो जीमेल ऐप ओपन करके सिंपली से आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करिएगा। तो ऐसे में ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे कोड रिसीव हो चुके हैं। चलिए इस वाले कोड को उसके अंदर अभी डाल देते हैं। तो कोड डाल के जैसे मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि कंफर्म इट्स यू, मतलब अभी यहाँ पे प्रूफ देना है। तो कैसे प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि लोगों नीचे ऑप्शन दिया गया है कि टेक वीडियो सेल्फी, इसके अलावा इंटर ओल्डर पासवर्ड, मतलब पुराने वाले पासवर्ड को डाल को भी मैं यहाँ पे रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन कई सारे भाइयों को पुराना वाला पासवर्ड भी याद नहीं होता है। यदि आपको याद है तो आप लोग यहाँ पे पुराना वाला पासवर्ड को डाल के अपना आईडी को रिकवर कर सकेंगे। इसके अलावा सेंड कोड टू ओल्ड फोन और ईमेल, तो इसके थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा नीचे है अपलोड आईडी। तो भाई लोग इन सारे ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है दोस्तों टेक वीडियो सेल्फी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपना वीडियो सेल्फी के द्वारा फेसबुक टीम को बता दो कि आपके फेसबुक आईडी का मालिक आप ही हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे टेक वीडियो सेल्फी पे प्रेस करिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टार्ट सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो वीडियो सेल्फी कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट सेल्फी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे अलाउ करना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से अलाउ वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो इसके समय आपके फोन का जो सेल्फी कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अभी यहाँ पे वीडियो सेल्फी देना है। तो वीडियो सेल्फी कैसे देना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि स्लोली टर्न योर हेड टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड आप लोगों को अपना हेड को घुमाना है स्लोली कुछ इस टाइप से। तो ग्रीन टिक लग जाने के बाद आपको राइट साइड कुछ इस टाइप से स्लोली अपना हेड को घुमाना है। तो यहाँ पे परफेक्ट बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे राइट लेफ्ट आप लोगों को कुछ इस टाइप से अपना हेड को घुमाना है। तो इस केस में भाई लोग आपका जो वीडियो वेरिफिकेशन होगा वो सबमिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबमिट योर वीडियो सेल्फी हो चुके हैं, चलिए यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो इस केस में भाई लोग ऐसे ही आप लोगों को अपना वीडियो सेल्फी सबमिट करना है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आइडेंटिटी कंफर्मेशन इन प्रोग्रेस, तो भाई लोग यहाँ पे 48 आवर्स बताया गया है। तो आप यहाँ पे डेट और टाइमिंग देख लीजिए, आज है 2 मार्च 7:13 हुआ है। तो भाई लोग अभी ये प्रोग्रेस में जा चुके हैं। तो अभी फेसबुक टीम क्या करेगा कि मेरे दोस्त के वीडियो सेल्फी को मेरे दोस्त के आईडी के साथ मैच करके देखेगा कि सेम टू सेम है या नहीं। तो जिस फेसबुक आईडी को आप रिकवर करने के लिए वीडियो सेल्फी भेजेंगे वो फेसबुक आईडी यदि आपका ही है तो इस केस में मैच हो जाएगा और दोस्तों आपको एक लिंक दिया जाएगा। तो भाई लोग लिंक आप लोगों को कहां पे दिया जाएगा, तो भाई लोग इसके लिए आप अपने फोन में अपना जीमेल ऐप को ओपन कीजिएगा, उसके बाद न्यू ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिएगा। तो भाई लोग आपने जिस न्यू ईमेल आईडी को डाले है उसी न्यू ईमेल आईडी पे ही दोस्तों आप लोगों को मेल किया जाएगा, जिस मेल के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो भाई लोग आप लोग अपना जीमेल ऐप को एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो मेल आपको रिसीव नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मेल रिसीव हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डेट और टाइमिंग देख लीजिए, मैंने 2 मार्च 7:13 सबमिट किया था वीडियो सेल्फी, तो इस केस में यहाँ पे 2 मार्च 8:17 हुआ है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर मुझे यहाँ पे मेल रिसीव हो चुके हैं। चलिए इस मेल को यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीला कलर का। जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे इस नीला कलर का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना आईडी को रिकवर कर लीजिएगा। यदि आप लेट कर देंगे तो इस केस में लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो इस लिंक पे क्लिक करने में मैं यहाँ पे थोड़ा लेट कर दिया, तो भाई लोग यहाँ पे लिंक एक्सपायर हो चुके हैं, जैसे कि बताया गया है इनवैलिड लिंक। तो भाई लोग लिंक एक्सपायर हो जाने के बाद भी आप अपना फेसबुक आईडी को अभी रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यू ईमेल आईडी आप सबमिट करेंगे वो वाला ईमेल आईडी आपके फेसबुक आईडी में ऐड कर दिया जाएगा, जिस पे आप कोड लेकर के न्यू पासवर्ड बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फेसबुक ऐप ओपन करके इस आईडी पे सिंपली से क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे ट्राई अनदर वे का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे दबा दूंगा। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों पहले यहाँ पे बस हैकर का ही ईमेल आईडी और फोन नंबर दिखाया गया था, और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हैकर का ईमेल आईडी और फोन नंबर के साथ साथ जो न्यू ईमेल आईडी हमने डाल के सबमिट किए थे वो वाला ईमेल आईडी भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी मैं इस पे टिक लगा के यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। तो इस केस में न्यू वाला ईमेल आईडी पे कोड दिया जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोड रिसीव हो चुके हैं। तो इसके अंदर से मैं यहाँ पे कोड देख लूंगा और इसके अंदर सिंपली से मैं सही से डाल दूंगा। तो कोड डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो इस केस में यहाँ पे अलाउ करने पर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोला गया है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बना लूंगा। इसका मतलब दोस्तों अभी मेरे दोस्त का आईडी रिकवर हो चुके हैं। आईडी रिकवर हो जाने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को हैकर का इंफॉर्मेशन को अपने फेसबुक से हटाना है, मतलब हैकर ने जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके फेसबुक आईडी में ऐड किए थे उसे हटाना होगा, नहीं तो फिर
से हैकर आपका फेसबुक आईडी को हैक कर लेगा। जैसे कि भाई मेरे दोस्त का फेसबुक आईडी यहाँ पे फाइनली रिकवर हो चुके हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपने दोस्त का नाम को चेंज करूंगा। तो फेसबुक आईडी का नाम चेंज करने के लिए क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे सेटिंग्स पे दबाना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आईडी पे क्लिक करके नेम वाला ऑप्शन पे दबाना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आपका नाम चेंज किया गया है तो न्यू नाम आप बना नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको 7 दिन वेट करना होगा, लेकिन आप अपना प्रीव्यू नेम को ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज प्रीव्यू नेम पे क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे में इस आईडी का पहले का जो नाम था वो यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना पहले का नाम को सेट कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स के अंदर अभी भी हैकर का जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो अभी मुझे यहाँ पे रिमूव करना है। इसके लिए आप अपने फोन में अपना ऐप को ओपन कीजिएगा, उसके बाद सर्च बार में सिंपली से टाइप कीजिएगा facebook.com, उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको अपना फेसबुक आईडी का ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। चलिए यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो फेसबुक आईडी है वो क्रोम ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है और अपने प्रोफाइल के ऊपर प्रेस करना है। तो अपना प्रोफाइल ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो लिंक दिखेगा इस लिंक पे क्लिक करना है और इस पेंसिल वाला आइकन पे दबाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे लिंक एडिट करना है। एडिट करने के लिए आप यहाँ पे सारे वर्ड्स को हटा दीजिएगा, बस यहाँ पे facebook.com डाल के यहाँ पे स्लैश लगा के हैक्ड लिखिएगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही हैक्ड डाल के सर्च पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप से पेज दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे समवन इल्स पर टिक लगाइएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके फेसबुक आईडी में जितने भी ईमेल आईडी ऐड होगा वो आपके सामने दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरे दोस्त के आईडी पे अभी 3 ईमेल आईडी ऐड है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनमें से मुझे यहाँ पे हैकर का ईमेल आईडी रिमूव करना है। तो जिस ईमेल आईडी को आप रिमूव करना चाहते हैं उस वाले ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। तो हैकर का 2 ईमेल आईडी ऐड है तो यहाँ पे दोनों ईमेल आईडी को हमने यहाँ पे चूज कर लिए है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 नाम दिखाया गया है। तो पहला वाला नाम हैकर ने दिया था, तो नीचे वाला नेम मेरा दोस्त का है, तो इसमें मैं टिक लगा दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा। उसके बाद हैकर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें मैं टिक लगा दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू कर लूंगा। तो इसमें हैकर का मोबाइल नंबर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेंड का लिस्ट दिखाया गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से टिक लगा के कंटिन्यू कर लूंगा। तो इस किस्म में यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन सही हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे सारे पे टिक लग चुके हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपने फेसबुक आईडी से हैकर का सारा इन्फॉर्मेशन को हटा सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 3 ईमेल आईडी और 1 मोबाइल नंबर था और अभी यहाँ पे बस 1 ही ईमेल आईडी है जो कि न्यू हमने अपने दोस्त को बना के दिए है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबने ये देखा कि मैंने अपने दोस्त के आईडी को वीडियो सेल्फी के माध्यम से रिकवर कर लिया, तो आप लोग भी ठीक ऐसे ही वीडियो वेरिफिकेशन करके अपना फेसबुक आईडी को रिकवर कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आपका आईडी अभी भी रिकवर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, आपके सामने क्या दिखाया गया है वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपके प्रॉब्लम के ऊपर और एक मैं वीडियो बना दूंगा। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस नहीं बताना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और देखने अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।